हमसे टकराने से पहले चट्टान भी अपना रास्ता बदल लेती है। पिछले 10 साल से डूबे हुए जिंदल नाम की जो आप सब अब तक बीन बजा रहे हो, वो हमारे सामने बिल्कुल बेसुरी है। खुद का बना बनाया नाम तो आप और आपके घर की औरतें मिलकर संभाल नहीं पाई। अब हमारे कारोबार में हमारी ग्रह दशा बदल कर हमें नुकसान पहुंचा रही हो। इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी दफा लगाइए। इन्होंने हमारे कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने की, हमें मारने की धमकी देने की जरूरत की है इन लोगों ने। ये इतनी आसानी से नहीं निकलने चाहिए। मुझे भैया, ये सब कैसे होगा? मैम, एक मिनट। मैम, वो हमारी डीजे और वो हमारे भैया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज छोड़ दीजिए, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। कंप्लेंट बहुत सीरियस है। सीरियस? पर ये तो मक्खी भी नहीं मार सकते मैम, हम सच बता रहे हैं। आप वो कंप्लेंट इरेज कर दीजिए ना प्लीज। अरे इंस्पेक्टर मैम, आप इस बेचारी का मासूम सा चेहरा देखिए ना, कैसे रोने वाला हो गया है। अगर आप इसके परिवार वालों को ऐसे हवालात में बंद रखेंगी तो ये मजबूर सी लड़की बेचारी क्या करेगी? देखिए, इस लड़की से हमदर्दी है मुझे, पर कंप्लेंट फॉर्मल हुई है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैम आप तो बड़ी है ना, प्लीज प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। क्या कर रही है तू? इनके सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप, मैम प्लीज। देखिए अपने भाई की अकड़ किस बुनियाद पे मंजूर करे याचिका। ये दोनों जिंदगी भर यहीं पर सड़ेंगे। मैम प्लीज। बॉस लेडी रिलैक्स, मैं हूं ना। मैम शांति जी, आपके तो नाम में भी शांति है, तो थोड़ी यहां भी ले आइए प्लीज। देखिए मैं जानता हूं आप सिर्फ बाहर से टफ बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस क्यूट से फेस को देखकर आपका एक क्यूट सा और शांत सा दिल चॉकलेट की तरह पिघल रहा होगा। मैम ये जो अंदर बंद है ना, ये क्रिमिनल नहीं है, एक सेंटी सी फैमिली है। और फैमिली का तो आपको पता ही है ना, ना लेफ्ट देखती है ना राइट, बस अपनों के लिए रोड क्रॉस करने निकल पड़ती है, फिर चाहे एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए। और आज जो हुआ वो एक्सीडेंट ही तो था। हा? तो आप प्लीज इन्हें एक आखिरी वार्निंग देके छोड़ दीजिए। उसे पता है क्या होगा, इनकी जिंदगी तो सवर जाएगी पर इंदौर की पब्लिक की नजरों में पुलिस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। बात तो ठीक कह रहे हो। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अजी मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं शांति जी से। अरे जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो बिल किस बात का फाड़ना? एक छोटा मोटा मौका तो हर एक मुजरिम को मिलता है, मैं इन्हें भी एक मौका देती हूँ, पर ये आखिरी होगा। बिल्कुल आखिरी, इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हें लेके जाओ। हवलदार दरवाजा खोलो। अब ठीक है ना? भैया डीजे आप लोग जाइए ना, हमें कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। हाँ आप लोग जाइए, मैं घर पे मिलती हूँ, जाइए ना जल्दी से। चल रहे हैं पुलिस वाली आंटी। शांति मैम थैंक यू सो मच। और ना छोटी इलायची की कसम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो। सो स्वीट ऑफ यू मैम।
हमारे हर काम में अड़चन बनती जा रही हो तुम। सुख भरे जीवन में मंगल की दशा बनकर आई हो तुम छोटी गुड्डन। पर एक बात भूलना मत, हर बाधा का तोड़ है पुष्पा बिरला के पास। देखने में आप मेरी माँ की उम्र की लगती हैं, इसलिए मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मेरी बॉस के साथ यूं खुले में बदतमीजी करने दूंगा। मैं नहीं जानता आप दोनों का क्या सीन, और मैं जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा और ईमानदार एम्प्लॉय, इसलिए मेरे लिए माई बॉस इज ऑलवेज राइट। आप थोड़ा लेफ्ट हो जाइए प्लीज, हमें निकलना है। चले और एक और बात, मेरे जाते ही अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाने लग जाइएगा। वो क्या है ना कि अस्तवल में मैंने ऑलरेडी बहुत पाल रखे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घोड़ा भी मेरी कैद में आ जाए। अच्छा तो हम चलते हैं, चले। छोड़ने की जरूरत थी ना, हो गई पूरी। ये मेरा घर है, सुन रहे हो? चल जाओ। ऐसे कैसे चले जाओ? इतनी सारी हेल्प की है मैंने आपकी, और आप इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन हैं। हाँ? अपने मेहमानों के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है क्या? तुम मेरे मेहमान हो। अजी इंसान तो हूँ, एक ग्लास पानी पिला दीजिए। वैसे भी ना यार, वहाँ इंस्पेक्टर लेडी को मैंने इतना मक्खन मारा तो मेरा थोड़ा गला सूख गया है। दीजे, इनसे मिलिए, ये हमारे रेस्टोरेंट के नए मैनेजर हैं जो मुझे घर छोड़ने आए थे। नमस्कार। नमस्ते दीजे, इन्हें पानी चाहिए था। ये मैनेजर पीछे पीछे घर तक आ गया? पानी पियेंगे तो चले जाएंगे। दीजे पानी। थैंक यू। It's okay. पानी की बात हुई थी ना, तो वो एक्चुअली क्या है ना, पानी ना थोड़ा फीका था। अगर उसमें थोड़ी चीनी, पत्ती, अदरक, इलायची घुल जाए और उसे गर्म बांध। चाय चाहिए? हाँ, कॉफी भी चलेगी। अच्छा, आप तो इतनी बड़ी शेफ हैं, आपके हाथ से जो भी मिल जाए प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे। पहचान? थैंक यू। चाय 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 दीजिए, मैं बना के लाती हूँ। हाँ चाय। हाँ चाय कॉफी कुछ भी बताएंगे, चाय को बड़े ना टॉप लेवल का इरिटेट करने इंसान, पता नहीं हमें क्यों चिपक गया। कॉफी बंदा तो अजीब है, मतलब मानती हूँ कि उसने हमें बचाया, पर ये तो घर पे ही आके बैठ गया। छोटी कुछ लोग ना जो काम पे होते हैं ना, वो काम पे ही अच्छे लगते हैं। उसे ना एक्चुअली स्पेस देने का मतलब ही नहीं पता, उसे पता ही नहीं स्पेस क्या होता। आप लेंगे क्या? नहीं नहीं, देख उसे जो भी चाहिए ना खिला पिला और रवाना कर दे, ठीक है? मैं आरव को देख के आती हूँ।
चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। कॉफी लीजिए, लीजिए। और थैंक यू। राइट, शक्कर थोड़ी कम है। क्या कहा? शक्कर कम है। दिन में तो कहा था कि ज्यादा, अभी रात में कम है। क्या कॉमेडी चल रही है क्या यहाँ पे कोई? हाँ, मतलब क्या ऐसे जोक सुनाते रहोगे मुझे? पहले मेरे घर में एंटर किया, अभी मेरे किचन में एंटर किया, अभी तुम्हें कॉफी नहीं समझ में आ रही? देखो तुम जाओ यहाँ से, अब कम है ज्यादा है, प्लीज इसे ही पे लीजिए। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अब एकदम चुंबक की जैसी है, मैं ना चाहते हुए ना आपकी तरफ खींचा चला आता। अच्छा देखिए, आप अपनी कॉफी पीजिए और बाय। चलिए कॉफी के साथ थोड़ा क्रोइसन मिल जाता तो अच्छा होता। क्या फ्रांस के किसी कैफे में बैठे हो क्या? चिंगल भवन का छोटा सा किचन है ये, ब्रेड बटर मिलेगा और वो भी सुबह, और तब तक यहाँ नहीं रुक सकते हो। गुड नाइट। चलिए क्रॉस। अरे मैं क्या बोल रहा था? नो मींस नो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चलिए। नो 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 नथिंग। मेरी बात और मैं तुमको एक बात बताऊं, लड़की के ना नो का मतलब होता है नो, और कोई देख अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीर। पागल हो क्या? हाँ धीट हो, दिमाग स्लो है, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो क्या? ये माना कि तुमने हमारी हेल्प की, थैंक यू सो मच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम सारी लाइंस क्रॉस करोगे। एक हद नाम की भी तो चीज होती है ना हर रिश्ते में। बाहर आती होंगी लड़कियों को ये सब चीजें पसंद, तुम्हारा फ्लर्ट करना, इस तरह हर बात पर ही मजाक करना मुझे नहीं आता है। और प्लीज इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में डालो और अपने क्लाइंट से तुम प्लीज जाओ। सॉरी ये तूने क्या किया छोटी? जीजा आपने देखा ना वो क्या कर रहा था? बचाने की कोशिश करा था तुझे छोटी। देखो तुम्हारा दुपट्टा जल रहा था, उसे उसने बचाने की कोशिश की और तुमने क्या किया? हाथ उठाया उस पर। छोटी मैं मानती हूं कि बचपन से मैंने तुझे लोगों से सावधान रहना सिखाया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अच्छे लोग जो हैं उनकी परख तो भूल जाए। छोटी कुछ लोग अपना दर्द भूल के दूसरों का दर्द कम करते हैं। छोटी जाओ, उसे रोक, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। छोटी टीचर मैं क्या करती हूँ अब, किस कोई ऐसे इतना करीब आया ही नहीं था कभी, तो मुझे लगा कि वो मैं अकेली हूँ तो मेरा शायद फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी अब तूने जानबूझ के तो किया नहीं ना ऐसे, गलती तो गलती से ही होती है, पर उसे हम सुधार भी तो सकते हैं। अब जा, शायद हो सकता है वो नीचे ही हो, जा उसे रोक। अगस्त्या ये साधु कर चला तो नहीं गया? अब उसने रिजाइन कर दिया तो फोन कर लेती हूँ।
बाइक की रूम रूम से क्या गुस्सा खत्म हो जाएगा क्या? अगस्त्य, वापस करो ना। वो अचानक से तुम इतने करीब आ गए कि घबरा गई मैं, छूट गया रिफ्लेक्स में हाथ। सॉरी। पूरा थप्पड़ का नहीं लगा है छोटी मैम साहब, उसके साथ जो अपशब्द बोले हैं ना आपने, उसका लगा है। पर मैं बोल रही हूँ ना सॉरी उसके लिए। मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया आपने, मैं कोई गली का आवारा रोमियो नहीं। हाँ मानता हूँ मुझे थोड़ी हेल्दी फ्लर्ट करने की आदत है, बट मैंने लाइंस क्रॉस नहीं करी है। आपकी मदद करने पर आपने इतना सुना दिया, अगर कल को आपके रेस्टोरेंट में आपकी भलाई के लिए कोई डिसीजन लूंगा तब तो आप सबके सामने मुझे बेइज्जत कर देंगी। एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी शायद। आपकी गलतफहमी की वजह से क्या हुआ? एक तो मेरा गाल लाल हो गया, दूसरा मेरा दिल छल्ली हुआ, और तीसरा मेरा हाथ जल गया। गलतफहमी एक और सजा तीन थी, इतनी नाइंसाफी। देखो इसको फर्स्ट एड की जरूरत है, चलो प्लीज जिद नहीं करो। मुझे कहीं नहीं जाना मैंने कहा। अगस्त प्लीज देखो क्या कर सकती हूँ अब, अभी मेरे पास टाइम मशीन होती तो पीछे ले जाकर सब ठीक कर देती ना मैं। पास्ट को ठीक नहीं कर सकते तो प्रेजेंट को तो करने दो मुझे। मैं सालों की रानी छोटी इलायची की कसम, छोटी ना कभी भी ये चीज फ्यूचर में रिपीट नहीं करेगी। छोटी हो या बड़ी, I hate Elijah. अरे stop 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 stop, छोटी गुड्डन रोइए मत please यार, please please please, देखिए देखिए ये fake है, ये देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। यार आप ना बहुत भोली हो, एकदम गाऊ, ऐसे कैसे survive करोगी इस दुनिया में? कैसे ही survive करूँगी ना, जब मेरा खुद का manager ही मेरा पोपट बना रहा है। पोपट नहीं, आपको strong बना रहा हूँ मैं। रहने दो, मुझे नहीं बनना ऐसे स्ट्रॉन्ग जिससे कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं कर सके। ओह माय गॉड, मतलब आप जैसे लोग अभी भी बनते हैं इस दुनिया में? हाँ, तुम जैसे लोगों को ना बैलेंस में रखने के लिए बनते हैं हमारे जैसे लोग। चुप, बात ये है ना कि अब तुमको कुछ नहीं हुआ ना, तो चलो फिर जाओ। कल रेस्टोरेंट में ना टाइम पर आ जाना, ओके? और कस्टमर्स के साथ नो फ्लर्टिंग। दिल की ये बात बोल कर रख दिया राज खोल कर, हर पल इश्क में रहूं अब तुझे यार सोच कर, जाने क्या क्या खेल खेलेंगी तकदीर मेरे हाथों में, अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीर। आपके साथ तो फ्लर्ट कर सकता हूँ छोटी मैम साहब, कल साथ में जाएंगे सराफा से राजहंस की कड़क मसाले वाली चाय पीते हैं, क्या बोलती? No, thanks. तुम मुझसे पहले पहुंच चुके हो क्या? And that's my order. चलो 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 गुड नाइट चलो। ना जाने के बहाने तो अनेक हैं। तो है ना खुद ही निकालो।
और जाने का सिर्फ एक हा? वो क्या? वो ये कि रात बहुत हो गई है ना, यू शुड गो एंड स्लीप नाउ, गुड नाइट। छोटी मैम साहब, अब क्या है? रेस्टोरेंट के मेल बॉक्स से मिला, आपको देना भूल गए। सब ठीक है? मैं मैनेज कर लूंगी। अरे मैनेजर तो मैं, मुझे बताओ ना। कहाँ ना, मैं देख लूंगी तुम। ओके, जैसा आप कहें। गुड नाइट। मामा पापा की आखिरी निशानी इस तरह नहीं बिकने दे सकती हूँ मैं। ये सब जल्दी से जल्दी सॉर्ट करना होगा मैं।